गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज है संडे 17th of March। ये गंदा क्यों हो रहा है यार। ऑल राइट, आज है संडे 17th of March और हम जा रहे हैं अपने पहले मोटो व्लॉग पे। किसके साथ हम जा रहे हैं? सौरभ भाई के साथ। सौरभ भाई दिख रहे हैं क्या पीछे? कहाँ जा रहे हैं भाई? जैसा मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था ना, जाते जाते हम जाएंगे गरड़िया महादेव। गरड़िया महादेव वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है कोटा में देखने की, आपको भी दिखाएंगे। चैनल पे बने रहना, ठीक है? और भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं आगे चल के आएंगे। अपन ने स्टार्ट कर दी है मोटो व्लॉगिंग, तो मैक्सिमम आपको हम दिखाएंगे मोटो व्लॉग्स। और अभी एक बार सौरभ भाई के साथ निकलते हैं। वैसे कुछ और लोगों का भी साथ में जाने का प्लान था, बट समहाउ वो नहीं जा पा रहे, तो अभी मैं और सौरभ जा रहे हैं अपनी बाइक लेके। मिलते हैं आपसे रास्ते में। सौरभ भाई बैठ गए, अब निकलते हैं। कहीं भी जाने का सबसे पहला जो रिचुअल है ना, उसको पूरा कर लेते हैं, और वो क्या है? गाड़ी में फ्यूल डलवाना। ऑल राइट, तो सूरज निकल गया है, अपन चल दिए मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। नहीं भैया, पकड़ के डालना है ना, छोड़ना मत इसको। हाँ, ऑटो कट तक भर दो। जैसे ही हाईवे पे चढ़ो ना, सबसे पहले मुलाकात होती है वसूली भाई से। वसूली भाई, टोल वाले भैया। बट कोई बात नहीं भैया, आज हम कार लेकर नहीं आए हैं, आज हम आए हैं बाइक लेके, और हम जाएंगे बाइक लेन से। ट्रक वाले भैया से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, उन्होंने आगे बढ़ा दिया तो अपनी जर्नी यही समाप्त हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, अपन ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं। और ये अपन ने टोल क्रॉस करा, वाह यार, कार में आता हूँ तो 90 रुपए का टोल लगता है। यहाँ पे कोटा से निकलते ही, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही लग जाता है 90 रुपए का टोल। बट आज हम आए हैं बाइक लेके, और मैं इस रोड पे पहली बार बाइक लेकर आया हूँ। अपनी बाइक इस रोड पे मैं पहली बार लेकर आया हूँ। मेरी बाइक को 365 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे नहीं आना पड़ा, क्योंकि मैं यूजली हाईवे में जब भी ट्रैवल करता हूँ तो कार से करता हूँ। बट मैंने कहा यार, अब जब काम दूसरे शुरू करें तो फिर सब कुछ बदलना पड़ेगा ना, तरीके भी बदलने पड़ेंगे, तौर भी बदलने पड़ेंगे, मतलब तौर तरीके बदलने पड़ेंगे भाई। ये सामने, अरे ट्रक वाले भैया निकलने दो यार, वरना हमारे भाई लोग इतना ज़बरदस्त हैंगिंग ब्रिज कैसे देख पाएंगे। ये जो हैंगिंग ब्रिज है, ये चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? इसके साथ एक बार आप इसको गूगल पर सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक बार ट्रेजेडी भी हो गई थी जब ये आधा बना था उस तरफ का, तो ये नीचे गिर गया था। काफ़ी जो है कैजुअलिटीज थी, नीचे जो है वो पूरा घड़ियाल क्षेत्र है। बट यार ऐसा लगता है किसी दूसरी कंट्री में आ गए हो। राइट, तो अपन आ गए गरड़िया महादेव। अरे बहुत सारे राइडर्स हैं यहाँ पे, बाइकर्स हैं। और ये जो है ना, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व गरड़िया है, मतलब रिजर्वड एरिया है। आई थिंक अभी गेट नहीं खुला है, तो लेट्स वेट फॉर सम फ्यू मोमेंट्स। अपन भी यहीं पर ही रुकते हैं, बहुत सारे राइडर्स हैं। अपन तो फिर भी बाइक पर हैं, लोग साइकिल पर हैं। तो भाई फाइनली जो है अपन गरड़िया महादेव पहुंच गए, बट अभी गेट जो है वो ओपन नहीं हुआ है। आई डोंट नो, अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, मतलब बाइसाइकिल लेकर आए हैं लोग, ठीक है? तो अपन भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में गेट खुलेगा। ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स का, उस वजह से रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही सही, हम भी जो है सारे रूल्स फॉलो करके ही जाएंगे। सौरभ कुछ आइडिया है कितने बजे तक खुलेगा?
अभी तक सौरभ को भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भाई कुछ भी कहो यार, ये बंदा ना मेरा बेस्ट पार्टनर है। मैंने रात को इसको फ़ोन करा और इसने बोला ओके चलते हैं, सुबह उठा दिया 6 बजे और हम निकल गए। क्या ज़बरदस्त सनराइज़ लग रहा है ना यार। अभी जो अपने को टिकट लेना है, ये जो है पूरा चार्ट लगा हुआ है कितने कितने का टिकट है। एंट्री फ्री नहीं है भाई, पैसे लगते हैं। ये देख लो आप, इंडियन सिटीज़न 137 प्लस 5, नॉन इंडियन 872। कार के चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, अगर आप कार लेकर आओगे यू हैव टू पे 389। कार के 389 रुपये हैं, टू व्हीलर बीक के भी पैसे लगेंगे भाई, अपनी बाइक के भी 63 रुपीज़ देने पड़ेंगे। गेट खुल गया, सारे राइडर्स जो है वो अंदर जा रहे हैं, वी आर ऑल्सो गुड टू गो। बट एक बार यहाँ से अभी टिकट ले लेते हैं, देन विल गो इन साइड एंड चेकआउट, और फिर अब आप देखना अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या ज़बरदस्त जगह है। फाइनली भाई ये देखो, इसके लिए, इस व्यू के लिए आए हम। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये नीचे जो है चंबल रिवर है, उधर अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, इधर जो है कोई ड्रिल हो रही है, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, ये जो ड्रिल हो रही है, ये कोटा से आते हैं यहाँ पे। जो हैंगिंग ब्रिज आपको दिखाया था ना, उससे भी आगे जाके वहाँ से यहाँ तक आई थिंक कोई सर्चिंग चल रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। बट भाई इसके लिए सौरभ भाई कैसा लग रहा है? ऑसम, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। मैं एक पिक्चर डालूंगा बीच में, वो देखना आप, अभी आई थिंक आपको दिख रही होगी वो पिक्चर, ये है। सौरभ भाई ज़्यादा आगे मत आना, नहीं नहीं है ना। बट अपन जिसके लिए आए वो तो काम करना पड़ेगा ना यार, लोगों को दिखाने के लिए आए हैं यार, वो तो दिखाएंगे ना भाई। ये क्या ज़बरदस्त ना, ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर चट्टाने रखी हुई हैं यहाँ पे, है फॉर्मेशन में बना हुआ है यार, मतलब कुदरत का कोई मुकाबला नहीं है यार। ये नीचे बहुत सारी बोट्स है, ये आई थिंक सौरभ कोई ड्रिल नहीं चल रही है, ये वो है जो उधर से शुरू होता है ना, अपने भीतरिया कुंड से आते हैं ये फास्ट वाली बोट पे। हाँ, इसका मैंने एक बार पूछा था तो आई थिंक 1500 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस आई थिंक वहाँ से आने का स्पीड बोट के ऊपर, और करीब 4 घंटे लगते हैं। ये पूरी चंबल रिवर है, बहुत गहरी है, नीचे देख लो यार कितना डीप है। ज़्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ, मुझे वैसे भी फोबिया है। इधर वो सर भी जो है हमारे साथ थे, वो उधर आ गए, बाइकर्स ग्रुप जो है वो उस तरफ आ गए, तो एक बार उस तरफ चलते हैं। इसी के लिए आए भाई अपन। नीचे जो है अभी आरती चल रही है, उस तरफ जो है मंदिर है। सौरभ भाई एक मिनट ये पकड़ना प्लीज, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ। वो सामने उधर है मंदिर, पब्लिक जा रही है ना उधर, उधर भाई। सौरभ हम तो वहीं आ गए जहाँ पे हम तुम्हें बोल रहे थे फोटो खिंचवाने के लिए, आ जाओ इधर बैठो, इधर इस तरफ यहाँ से आगे। हर जगह से दिखाऊंगा भाई, हर जगह से दिखाऊंगा, इसीलिए तो आया हूँ। सौरभ को तो चक्कर आने लग गए हाइट देख के यार। जितनी बार इस व्यू को देखो ना, उतनी बार ऐसा लग रहा है कि बस देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, उतना ही शानदार लग रहा है। देखो यार क्या ज़बरदस्त चट्टाने बनी हुई है ना, मतलब मैं इतना मेस्मराइज हो गया हूँ यहाँ पे आके कि मेरी आवाज़ भी इस तरीके से निकल रही है, जबकि मैं इस तरीके से कम बोलता हूँ, मतलब थोड़ा कोशिश करता हूँ कि लाउड एंड क्लियर बोलने के, लेकिन यहाँ पे इतनी शांति मिल रही है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं उसको भंग कर दूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ोर से बोलूँगा ना तो मैं शांति भंग कर दूँगा। क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई, कोटा आओ तो गरड़िया महादेव ज़रूर आना। अभी जो आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम वहाँ पे थे बिल्कुल एंड में, इस साइड आ गए, बहुत रॉकी सरफेस है, इसलिए ध्यान से चलना पड़ रहा है। बजरी भी जो है वो हर तरफ गिरी हुई है,
नहीं नहीं मैं आगे कूदने नहीं जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ से आया हुआ है। जब आए तो ढंग से देखेंगे एक बार सारी जगहों को। तो गाइज़ आई होप आपको जो है यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ तक आपने व्लॉग जो है देखा होगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेसमराइजिंग था। मैं इतना रिलैक्स, इतना रिलीफ फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके, इतनी शांति यहाँ पे, इतना सुकून है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे ओकेजनली डेफिनेटली आना चाहिए। आप आओ, थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, रेस्ट करो, स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ बिल्कुल यहाँ पे आके। अब यहाँ से एक बार चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। सौरभ अभी नीचे दर्शन करने गया है, मैं भी डेफिनेटली जाता बट ड्यू टू नी प्रॉब्लम मैं किसी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। बट कोशिश करेंगे कि आगे जाके जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डेफिनेटली एक बार नीचे चलेंगे। अब फिर एक बार बाइक उठाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। कोटा का पेट ब्रेकफास्ट, क्यों सौरभ भाई? हाँ जी, कोटा का पेट ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह कहीं निकलो और बिना पोहे खाए घर आ जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यार आज का जो दिन था ना, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, मतलब मज़ा आ गया। कोशिश करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स जो है अपन लगाते रहें, जब तक अपन बाहर और रेगुलर ट्रिप के ऊपर नहीं जाएंगे ना, तब तक ऐसे छोटे छोटे ट्रिप जो है वो अपन रेगुलर लगाएंगे। अगला ट्रिप कहाँ चल रहे हैं सौरभ भाई अपन? रावत भाटा लेके चलेंगे आपको, चुलिया फॉल। सौरभ भाई ने बोल दिया नेक्स्ट संडे पूरी कोशिश करेंगे रावत भाटा चुलिया फॉल। क्या घाटों में से होते हुए जाएंगे भाई, घाटों में। रावत भाटा का रास्ता ही एक नंबर है ना, और अब तो वो भी बहुत बढ़िया गया है। पहले तो बहुत ख़राब हुआ करता था, लेकिन अब तो बहुत सही हो गया है। ऐसे ज़बरदस्त घाट बने हुए हैं ना, वहाँ लेके चलेंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल करते हैं पोहे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, है ना।